तो भाइयों देखो, ये वही लोग हैं जिन्हें मरकज वाले कहा जाता है, निजामुद्दीन वाले कहा जाता है, जिहादी कहा जाता है। देखो रोक रोक कर रोड पर ये कैसे खाना बांट रहे हैं लोगों को, गरीब लोग। क्यों भाई आपको किसने खाना दिया? क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह। इन्होंने आपकी जाति धर्म पूछी? ये सिर्फ खाना दे रहे हैं, भूखे को दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, ये किसी जिहाद फैला रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं सर। भाई आपका नाम? सनातन। सनातन, तो भाई आपका, आप हिंदू हैं? जी सर। तो ये मुस्लिम है, खाना बांट रहे हैं, तो क्या ये मुस्लिम जिहाद फैला रहे हैं? नहीं। आज मीडिया का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि निजामुद्दीन मरकज में रुके हुए थे तो वो जिहाद फैला रहे हैं। ये लोग खाना में थोड़ी कुछ डाल के देंगे, लोगों की खिदमत कर रहे हैं तो खाएंगे जरूर। इनको भी जो है हमारे जमात के साथी जो है साफ कर रहे हैं। यहाँ आप अपने आंखों से देख सकते हैं, देखिए हमारी जमात के जिम्मेदार हजरात खुद अपने हाथों से सफाई कर रहे हैं, फिर भी हमें बदनाम किया जा रहा है। देखो ये इतने गंदे हो रहे थे जिसकी कोई इंतहा नहीं, इतनी बदबू आ रही थी यहाँ, अब इन लोगों ने पानी डाल के वैसे साफ किए हैं। ये इतने क्लीन आपको नजर आ रहे हैं, ये इतने क्लीन नहीं थे, बिल्कुल काले पड़े थे, किसी में लाल धब्बे हो रहे थे, किसी में। नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का मिनिस्टर में मैं सैयद उमर स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज भी वही टॉपिक पे बात करेंगे, निजामुद्दीन मरकज तबलीग जमात, जिसे कई हमारी गोदी मीडिया जमात बम कोरोना वायरस के नाम से किस किस के नाम से पुकारा जा रहा है। तो मैं सभी मुस्लिमों के लिए पहले तो एक ये न्यूज़ बता दूं कि आप लोगों के लिए एक अच्छी बात कि जो गाजियाबाद के अंदर जो जमात वालों को बदनाम करने के लिए किया, बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, कहीं सिगरेट कहीं बीड़ी मांग रहे हैं, कि हमारे मीडिया वालों ने बहुत ट्रेंडिंग में चलाया, क्योंकि मुसलमानों के भरोसे कई मीडिया वालों की रोटी चलती है यार। आपने तो खुश होना चाहिए कि आपके नाम के भरोसे ही कई मीडिया वालों का पेट भर रहे हैं, कई लोगों का पेट भर रहे हैं। मुसलमान नाम ही बरकत का नाम है कि कई मीडिया वालों की रोटी रोजी चली है इसके ऊपर। तो इन लोगों को फोटेज तो नहीं मिली थी, इन्होंने बिना फोटेज के चलावा दिया था न्यूज़। बहुत दो दिन तक न्यूज़ कंटिन्यू चली है कि गाजियाबाद के अंदर जमात वाले इस तरीके के कदम उठा रहे, इस तरीके के नंगे घूम रहे, इस तरीके की बीड़ी मांग रहे हैं। कहाँ है सीसीटीवी? अब जमात वाले भी अब आ गए सामने आपके, अब उन लोगों ने भी बोला है कि अब सीसीटीवी कैमरे के फोटेज बताइए हमें, जब एक केस होगा सही तरीके से। और जब आपके पास में उन लोगों ने इस तरीके की छेड़छाड़ की ही नहीं, तो आपके पास बिल्कुल सीसीटीवी रहना ही नहीं है कैमरा, तो इसके ऊपर भी वहाँ के सीएमओ के ऊपर मानहानि का दावा ठोकने का सोच रही है तबलीग जमात। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा मोमबत्ती लगवाने का दो दिन पहले, तो आज 5 तारीख है, तो आज बहुत सारे मैं बेवकूफ़ भक्तों से कहूँगा कि जैसा ताली बजाने के लिए कहा गया था उस तरीके से बाहर मत निकल जाना, अब नहीं तो आप फेंकेंगे एक मुक्केबाज पर। हमारे प्रधानमंत्री ने सिर्फ दिए जलाने के लिए कहा है 9:09 और आज की 5 तारीख है, 4th महीना है। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा सत्यवास्तव है। कल वाले तो अब कोरोना वायरस से लड़ाई की बात कर रहे हैं, अभी तक के दूसरे देश वाले उसके लिए दवाई ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी और बेवकूफ़ मीडिया वाले भी लड़ाई वार करवा रहे हैं कोरोना के अंदर। क्या कोई दुश्मन है वो, क्या उससे आप झगड़े लड़ेंगे? कुछ भी बातें होती जा रही है। तो दोस्तों आप ये देखिए वीडियो, इसके अंदर लास्ट में मैंने आगे वीडियो डाला हूँ क्या किस तरीके के दवाखाने के अंदर हरकतें कर रहे हैं जमात वाले। तो आप ये वीडियो देखिए और वीडियो का आगे शेयर भी कीजिए, और रोड पर भी पाए गए जमात वाले क्या हरकतें करते हुए लोगों के साथ में, आप वो भी वीडियो देखिए। चड्डी वाले नहीं कर रहे इस तरीके की हरकत, लेकिन जमात वाले इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया हुआ ये, क्योंकि गोदी मीडिया ये वीडियो नहीं बताएगी। और दोस्तों सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है मुझे, लेकिन और इससे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बिल्कुल सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ये लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो जो मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ ये बताने वाली नहीं है गोदी मीडिया। ये देखो तुगलकाबाद मेन रोड पॉकेटों के सामने मरकज वाले टोपी वाले खाना बांटते हुए, तुम्हारी ऐसे ऐसी मीडिया मारूं, दिखाओ मरकज वालों को, टोपी वालों को दिखाते हो कभी तुम अच्छे कामों को? सारी बुराई दिखाते हो मुसलमानों की, सारे बुरे काम गलत काम तो मुसलमान पे बताते हो। ये रोज खाना बांट रहे हैं, दिन रात सब जगह खाना बांट रहे हैं, इतने तुम्हें दिखाई नहीं देते यहाँ गरीबों को खाना बांट रहे हैं? यहाँ बड़े बड़े पॉश इलाके के सामने, पॉकेटों के सामने, या बड़ी बड़ी वीआईपी कोठी, बड़े बड़े करोड़पति पड़े हैं,
उनके सामने ये खाना बांट रहे गरीब लोगों को जो घरों से निकल नहीं रहे डर के मारे बीमारी की वजह से। वहाँ बीच चलते रोड दोपहरी में गाड़ी रोक रोक कर लोगों को खाना दिया जा रहा है। तो गौर करने वाली बात है ये जिस टोपी को जिस कुर्ते पजामे को बदनाम कर रहे हैं वही कुर्ता पजामा वही टोपी खिदमत के लिए आगे आती है। हाँ भाइयों गौर फिक्र की बात है, शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, आप सबके सामने है लाइव, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों की खिदमत में। दूर दूर रहो, दूर दूर रहो भाई। मरकज से खाना लेकर आए तुकलकाबाद गांव एक्सटेंशन के अंदर, तुकलकाबाद एक्सटेंशन मेन रोड पर स्कूल के सामने। आप कहाँ से आए, कहाँ से आए? हम काली सराय से हैं। अच्छा काली सराय से ताल्लुक रखते हैं, तबलीग से माशाल्लाह, मरकज से। जी 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 जी। और हम पहले दिन से खाना बांट रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे मौलाना साहब, आपको ये टारगेट किया जा रहा है, ये क्या मसला है? सारा झूठ है, मौलाना साहब साहब मौजूद है, पुलिस ने कोई पब्लिक में FIR की कॉपी तो दी नहीं है, मीडिया अपने आप उनके पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है, वो अपनी तरफ से पाक साफ है, उनको बस बदनाम कर रहे हैं, इनको हिंदू मुस्लिम की अफीम चटानी है जनता को। हाँ जैसा कि आपने बताया हिंदू मुस्लिम की अफीम चटानी है और ये पब्लिक चाटने के लिए तैयार बैठी है, और यहाँ की पब्लिक को हिंदू मुस्लिम की अफीम ही चाटनी है। इनको भूखमरी से कोई ताल्लुक नहीं, बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं, इनको हिंदू मुस्लिम की अफीम से मजा आता है। देखो भाइयों देखो, ये वही लोग हैं जिन्हें मरकज वाले कहा जाता है, निजामुद्दीन वाले कहा जाता है, जिहादी कहा जाता है। देखो रोक रोक कर रोड पर ये कैसे खाना बांट रहे हैं लोगों को, गरीब लोग। क्यों भाई आपको किसने खाना दिया? क्या नाम है आपका? ज्योति, हिंदू ज्योति सिंह। इन्होंने आपकी जाति धर्म पूछी? ये सिर्फ खाना दे रहे हैं, भूखे को दे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको ये किसी जिहाद फैला रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं सर। भाई आपका नाम? सनातन। सनातन, तो भाई आपका, आप हिंदू हैं तो ये मुस्लिम है खाना बांट रहे हैं, तो क्या ये मुस्लिम जिहाद फैला रहे हैं? नहीं। आज मीडिया का एक प्रोपगंडा चल रहा है कि निजामुद्दीन मरकज में रुके हुए थे तो वो जिहाद फैला रहे हैं। तो निजामुद्दीन औलिया में अब आए रहे हैं जो फंस गए हैं, ऐसा हो गया। हाँ। तो ये लोग खाना में थोड़ी कुछ डाल के देंगे। हाँ। लोगों की खिदमत कर रहे हैं तो खाएंगे जरूर। बिल्कुल, यहाँ मुंह देख देख के सरकार कितनी बंटवा रहा है, कितने कोटी वाले मेन मेन सरकार का खाना गरीबों को मिल भी नहीं पा रहा, गरीबों को तो मिल भी ना रहा है। बिल्कुल, कल भी लाइन लग के राशन बटा, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल, और जो खाना आ रहा है वो भी ऐसा आ रहा है कि लोग उसको लेने को तैयार नहीं। तो कब तक ये मीडिया ये खाना जिहाद क्यों नहीं दिखाती? ये क्यों नहीं बताती ये खाना जिहाद भी चला रहे? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। आप तमाम हजरात देख रहे हैं कि तबलीगी जमात को आज चार दिन से JJT यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिट कर रखा है सिर्फ बदनाम करने के लिए, बाकी इनमें कोई पॉजिटिव नहीं है, सारे के सारे नेगेटिव हैं। ना तो यहाँ कोई साफ सफाई के लिए आता है, ना कोई यहाँ सर्दी का इंतज़ाम है, बस यूं ही जैसे बीमार पड़े रहते हैं वैसे पटक रखा है यहाँ। आप हजरात देख रहे हैं और हमारे जमात के साथ ही माशाल्लाह साफ सफाई कर रहे हैं। ये तबलीगी जमात के साथी हैं यहाँ हॉस्पिटल में सफाई कर रहे हैं, चार दिन से पांच दिन हो गए लेकिन आज तक कोई यहाँ सफाई करने के लिए नहीं आया। इधर देखिए जमात के साथी सफाई में लगे हुए, माशाल्लाह अल्लाह इनकी जजाए खैर दे। अभी पूरे हाल की वहां से यहाँ तक कितनी सफाई की है, बाकी के लोगों को एक एक रूम दिया जा रहा था लेकिन तबलीगी जमात को सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। और वैसे कहते हैं कि इकट्ठे खड़े मत रहो, इकट्ठे बैठो मत। यहाँ देखो माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग हैं, ये देखो सफाई कर रहे हैं, फिर भी तबलीग को बदनाम किया जा रहा है। इधर भी इसके अंदर भी बैतुल खला वगैरह ये सब गंदे हो रहे थे, इनको भी जो है हमारे जमात के साथी जो है साफ कर रहे हैं। यहाँ आप अपने आंखों से देख सकते हैं, देखिए हमारे जमात के जिम्मेदार हजरात खुद अपने हाथों से सफाई कर रहे हैं फिर भी हमें बदनाम किया जा रहा है। देखो ये इतने गंदे हो रहे थे जिसकी कोई इंतहा नहीं, इतनी बदबू आ रही थी यहाँ, अब इन लोगों ने पानी डाल के वैसे साफ किए हैं,
ये इतने क्लीन आपको नजर आ रहे हैं, ये इतने क्लीन नहीं थे, बिल्कुल काले पड़े थे, किसी में लाल धब्बे हो रहे थे, किसी में कुछ हो रहे थे, सारा खराब हो रहा था सब तरफ से। सब साथियों ने साफ किया है। ये जे जे ची यूनिवर्सिटी है, रही थी यहाँ, अब इन लोगों ने पानी डाल के वैसे साफ किए हैं। ये इतने क्लीन आपको नजर आ रहे हैं, ये इतने क्लीन नहीं थे, बिल्कुल काले पड़े थे, किसी में लाल धब्बे हो रहे थे, किसी में कुछ हो रहे थे, सारा खराब हो रहा था सब तरफ से। सब साथियों ने साफ किया है। बहुत बड़ा अस्पताल है, ये देखिए किस तरीके से गंदगी है यहाँ। ये है, आप देख रहे हैं हॉस्पिटल का नाम, अभी यह हाल भरा हुआ था, वो खाली हो गया, बहुत से साथियों की रिपोर्ट आ गई थी इसलिए वो घर चले गए हैं। जो साथी बच गए हैं वो सफाई कर रहे हैं।